क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है एक्सरसाइज 8.4 का, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है, किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, सेक ए के फॉर्म में हमें लिखना है। तो एक एक करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस ए से स्टार्ट करते हैं। कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sec ए। ये सबको फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का, हमने पहले से फॉर्मूला पढ़ा रखे हैं। तो हमारा पहला आइडेंटिटी जो निकल के आई है कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए, मतलब कॉस ए हमारा sec ए के टर्म में हमारा पहला पार्ट निकल के आया। अब साइन ए हम निकालेंगे, साइन ए क्या निकालेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटीज यूज करेंगे देख लेते हैं। एक आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज होती है। कॉज स्क्वायर ए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉज स्क्वायर ए प्लस का था, राइट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो गया मेरे पास, माइनस का हो गया। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉज ए की वैल्यू क्या होती है, कॉज ए यहां पर लिखा हुआ है 1/sec ए होता है, लिख देते हैं 1/sec ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। सेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इस 1 के बटे 1 लिखेंगे, डिवाइड में 1 लिखेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे निकल के आएगा सेक स्क्वायर ए। अब हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए लिखा क्या है, साइन ए निकालना है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, साइन ए निकालेंगे, अगर हम साइन ए निकालेंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड वाले फंक्शन पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, रूट लग जाएगा। तो ये निकल के आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सेक स्क्वायर ए है तो अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे। तो देखिए साइन ए मेरा निकल के आएगा, सेक ए के टर्म में सारे टर्म्स किसके हैं, सेक ए के हैं। तो हमारा सेकेंड साइन ए का फंक्शन सेक ए के टर्म में इस तरीके से निकल कर आएगा। अगला हम निकालते हैं, अगला हम निकालेंगे टेन ए। तो टेन ए का एक फॉर्मूला होता है टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है। टेन ए बराबर टेन स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए निकालना है तो टेन ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमने टेन ए निकाल लिया। साइन कॉज निकल आया, साइन निकल आया, टेन निकल आया और अब हम निकालेंगे कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1/tan A, क्या होता है 1/tan है इक्वल टू 1/tan की वैल्यू हमने क्या निकाली है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एज इट इज लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये मेरा कॉट ए भी निकल के आ गया, कॉट ए निकल के आया है 1/ अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec के टर्म में हमारा cot a भी निकल के आ गया। अब निकालेंगे cosec a, cosec a इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/sin a। sin a की वैल्यू मुझे पता है, sin a की वैल्यू हमने कहां पर निकाली है, ये निकाली है, आपको दिखा देते हैं। sin a हमने निकाला है, ये निकाल के रखा है sec प्लस माइनस अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec a, ये हमने निकाला है। तो यही यहां पर हम वैल्यू क्या करने वाले हैं, पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1/sin a है, मतलब रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, से के ऊपर आ जाएगा और अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ये हमारा रेसिप्रोकल में आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये cos a के हमने निकाल लिया से के अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 के टर्म में। तो cos a निकाल लिया हमने, sin a निकाल लिया, tan a निकाल लिया, cot a निकाल लिया, cos a के निकाल लिया, किसके टर्म में, sec a के टर्म में। यही हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन सेकंड हमारा यहाँ पर समाप्त होता है।